देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जैस्मिन, तू देवांश जी तो दूर ही रह। जैस्मिन, आजकल ना एक नवा ही दौर चल पे, शायद तो दे बारे सुनिया होए। आजकल कई प्रेग्नेंट औरतां ना प्राइम मर्दा दे नाल रिश्ता रखने की कोशिश कर दी है। भावें उन्हां दा पहला तो कोई बॉयफ्रेंड या फिर पति क्यों ना हो, पर है तो गैर कानूनी ना। तू दस, तेरी इस नवे ट्रेंड बारे की राय है, या तू उन औरतों बारे की सोच रखती है? नयन ने इदा क्यों किया? एदा मतलब ये बच्चा दिवांश दा नहीं किसे होर दा है? होर ना औरतों बारे तो मैं नहीं जानती, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि तू मेरे होने वाले हस्बैंड के नाल की करन दी कोशिश कर रही। मैं तुहानू सारे दस दिनी ये सारा कुछ ना मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करांगी। सो मैं उदों तक ना तो दवाई खावांगी ते ना ही खाना, जो तक ये नैन दिवांश दे रोल तो शिफ्ट नहीं हो जाए। की करा जी, तुहानू कितना पता चलिया? मेरे ते शक, मेरे ते सवाल, इसका मैनू नहीं पता होगा और किन्नू होगा। चक्कर बगा पानी दे विच सब खा।
समझ गया, मैं तेरी सारी परेशानी समझ गया। बहुत टेढ़ा बंदा है तू, कदे सीधा नहीं चल सकता। तू किते ना किते तक कोई पंगा पौना ही है, ते ओदे विच तू अपने आप फस जाना है। ते तेरा हर बार फसन का कारण होती है एक कुड़ी। ऐसे वास्ते तू मेरे कोल भुगती पाउण लई आया है। जिंदगी च बहुत गलत काम किते ने तू, चोरी चकारे इत्थों तक के तू खून भी किते ने। तुसी दोवें अपराध की दुनिया के पक्के खिडारी हो, इस बार तुहाडी जित नहीं होवेगी, क्योंकि तुहाडी लड़ाई इंसान दे नाल नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा ताकतवर शक्ति दे नाल है। बाबा जी तुहाडी जय होवे, तुहाडी जय होवे बाबा जी। इन्ना कुछ तो मैनू आप नू भी नहीं पता अपने बारे। साडिया कालिया करतूतां दा चिट्ठा पुलिस कोल तां छड्डो, साडे कोल भी नहीं है। तुसी कमाल हो बाबा जी, तुसी कमाल हो। मैनू मैनू तुहाडे ते पूरा यकीन हो गया, तुसी इस मुसीबत तो ना तुसी मुक्ति दवा सकदे हो सानू। मैनू उस कुड़ी दी फोटो बखा। हाँ बाबा जी। आ देखो सारा दिमाग खराब करके रख दिया इस जैस्मिन ने। देवांशी शांत हो जाओ, गुस्सा हमेशा इंसान का अपना ही नुकसान करता है। नाले मैनू लगता है कि हुन समा आ गया, मैनू हमने कमरा छड़ के जाना ही पड़ेगा। What? Seriously? तू जैस्मिन की गल्ला तो इन्ना डरना नयन, मैं उसकी फितरत चंगी तरह जानता। यह नस्ल नहीं है जो भुखी प्यासी रह सके। तेनू इमोशनली ब्लैकमेल करन दा तरीका है, तेनू उहदियां गल्लां च नहीं आना चाहिदा। नाले तू आप सोच, जद असीं इहनू कह ही दित्ता है कि डिवोर्स तो बाद तू इह कमरे तो शिफ्ट हो जाएंगी, इहनू इन्नी जल्दी काहदी है? इहदा काम ही इही है नयन, रोज नवी जिद करना ते ड्रामा करना। ते वासी जी, अज इत्थे गल सिर्फ जैस्मिन दी हुंदी ना तां गल होर सी, पर इह गल उसदे पेट विच पल रही उस नन्ही जी जान दी है। जे तां इस हफ्ते विच की कसूर? मैं उस बच्चे दे सदके दे विच उस बच्चे बारे सोच के एक कमरा छड्डन दे लई तैयार हूँ, पर मैं यह नहीं जानती कि वह जैस्मिन उस बच्चे दे बारे च ना सोच के खाना पीना छड्डदे। मैं हुण मैं इस गल दा की जवाब देवां? सच्ची बहुत महान है ने, अपने दुश्मन दे बच्चे दी भी इदां परवाह कर रही है जिदा तेरा अपना बच्चा होए। फिर तुसी दसो ना कि ना लड़ाई झगड़िया दे विच उस मासूम दी की गलती है? खैर मैं अपना सामान पैक कर लैंदी हां।
देवांश जी जे तुसी इतना उदास रहोगे तो मेरा इस कमरे नू छड़ के जाना होर भी मुश्किल हो जाएगा। असी ये जंग कठिया ने लड़नी है ते जितनी है। तेरा साथ देंगा ने क्योंकि जिन्ना बच्चे आनु अपनी माँ करके दुख होंदा उन्ना बच्चे थे की बीत दी है ते चंगी तरह जानता मैं क्योंकि ये ता जींदा जागदा उदाहरण मैं आप हाँ। चलो हाँ जो मेरी मदद करो। तेरा सारा सामान पैक हो गया। आप पावे किन्नियां मुसीबतां सहे आप पावे किन्नियां मुसीबतां सहे लोकां दी भलाई लई जीउंदियां ने अन लोकां दी भलाई लई जीउंदियां ने अन नयन जो वेखे चेता लग रहा है चेता मैं इस कमरे तो नहीं थोड़े तो दूर जा रही हूं। मैं कह रहा इस कुड़ी की फिक्र छड़ दे। पक्का बाबा जी तुसी इस कुड़ी को काबू कर लोगे ना? नहीं नहीं अब मैं थोड़े से शक नहीं कर रहा तुसी ते आप ही जानी जान हो। दरअसल मैं ये कह रहा सी कि ये कुड़ी कोई आम इंसान नहीं है ये उत्ते मां नैना देवी की कृपा दृष्टि है। इनू हान वाली घटनावां का दृश्य दिखाई दे जांदा है उन्हां घटनावां नूं रोक नहीं सकती है। फिर तो शक फिर तो परेशान इनू मेरी तक पे भरोसा नहीं। मैं बहुत सारिया आत्मा नू अपने काबू च कीता होया है। इस वास्ते तू फिक्र ना कर इस कुड़ी नू बहुत छेती अपने काबू च कर लवांगा।
ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੈ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈ ਹੋ ਕਲੀਮ ਰੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਬਾਬੂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਲੈ ਵੇਖ ਜੈਸਮਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਫ੍ਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨੈਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੇਂਗੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਸਮਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਮਾਤੋਂ ਨੇ